and she uses them for going election. What do you have to say on this? I have also read in the newspaper that the NIA. I have also read in the news reports that nine people have been arrested and they have been alleged to be part of Al-Qaeda and other terrorist organizations. And I hope that the NIA will be able to convey this. No, you see, I cannot speak for other political parties. It is for those political parties to answer on their behalf. Are they trying to compromise this? Sir, I cannot speak on behalf of the अभी आपको UDSA के कन्वीनर जनाब वीरेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस का फुल फॉर्म है और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा. असदुर रहमान साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी डिप्टी कन्वीनर हैं, जो बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहां से लड़ना है, किस जगह पर लड़ना है. और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह बिहार की जनता की हमको पूरी ताइन उनकी मोहब्बत से हमको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ज्यादा ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट कामयाब होंगे. पहले से जारी आपके लिए खारिज होती है क्या? पहले से कहीं नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना रही हुई है से, तो जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहां से लड़ना, तो जाहिर एक नए सिरे से उस पर काम होगा. किसी तरह का एक अलायंस बना था यूडीए एक मिनट एक मैं बता दू एक मिनट क्या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीनन हम तो वेलकम करेंगे. कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं बहुत से लोगों से, अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, और हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे. अब ये सब बातें जो है जैसा साहब इनकी शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा. वही तो अभी आपसे कहा हमने कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा. सर, आप हमेशा SC ST की बात करते हैं, SC ST को कितनी सीट मिलेगी आप यहां से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना बहुत जरूरी है. यकीन है मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है. इतना जल्दी आपके सामने कोई पार्टी कन्वीनर के अलायंस की कोई सीट का तो जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है. देखिए बिहार में SC ST समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे, क्या लगता है कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है उनको? आप देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन कोई हमारे साथ नहीं, बराबर बहुत ज्यादा तादाद हमारे साथ है और उनको पूरा यकीन है, क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई है. यकीन है इंसान बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और उनको साथ देंगे. सर, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज है, विपक्ष है, तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी आप ऐसा? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं. भाई देखिए रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आप मुझे बता दीजिए आप एडी से हो. RJD के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए. हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में
कितने आप देने के जीते एमपी एमपी हम कितने सीट पर खड़े अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे। अख्तर भाई ने 3 लाख वोट दिए। जेडीयू के कैंडिडेट ने 3,25,000 दिए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता, वो एक सीट पे लिया। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। दूसरा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं बाबा, कहां नहीं बैठे ना, तुम आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट किया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट किया, ओवैसी को हमको बुरा बता कर वोट किया। अब आप बताइए नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ, जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी जिन्होंने नहीं दिया। हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता है कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर हो। बिहार की सेकुलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, तैयार होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल इमाम सर कुछ दिन पहले आरजेडी से मिले थे, तो मैं भी अख्तर भाई मिले थे नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी, तो आप समझ रहे हैं। पार्टी मजबूत हो ना, देखिए आज भी हम बोल रहे हैं आपसे, मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो। ना वो भाव नहीं दिया क्या क्या सर आरजेडी की तरफ? हाँ भाव नहीं दिया क्या आरजेडी की तरफ? भाव भाव देखिए नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल में। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट किया था उसके बारे में क्या करेंगे, कौन जिम्मेदार उसका? अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया तो जिम्मेदार कौन? किसका भाव है? हमारा छोड़ दिया, हमारा तो हमारा कुछ नहीं है भाई, हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। आप ये भी आगे आ रहा है कि बिहार की राजनीति में आपकी इंटरेस्ट बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार, हम एक ही सीट पर रहे। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 2 पर जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते, इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है शायद इल्जाम, लगाइए इल्जाम, को इतराज नहीं, मत आवाम को जनता को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। वैसे तरह ओवैसी का सवाल है कि यहाँ पे बिहार में लड़ाई एनडीए महागठबंधन माना जा रहा है, वैसे अगर आप जब अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जिस आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या सवाल आ जाता है, नहीं नहीं आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? हाँ, आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो वोट बैंक से आपको दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा। महागठबंधन अभी रहा कहाँ, कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं, कहाँ है महागठबंधन?
और ये क्या कोई वो ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता, जमहूरियत है, हम पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है ये, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट तो ये खरीद के रखा कि आपने आखिर चुनाव के वक्त इसी को इतना बिहार का चिंता क्यों हुआ है? अरे ये गलत बात है, सीमांचल में जो हम काम कर रहे हैं, कई मरतबा हम वहां पर गए, बाय इलेक्शन में तो हमने कांग्रेस को हराया। थोड़ा सर्वे करो मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो। बाई इलेक्शन तो हुआ ना, कौन हारा मतलब हम जीते ना, जरा थोड़ा तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा, आप बिहार के लोगों को क्या देने वाले? हमारे कन्वीनर साहब देखिए, हमारा बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं उनको नियत से ईमानदारी से उठाना चाहिए, हम लोग का बेईमानी वाला गठबंधन नहीं है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं 15 साल बनाम 15 साल, ये बेरोजगारी निकलता है पार्टी में तो किसको रोजगार देते हैं मालूम है ना, हरियाणा से कि वहां से राजस्थान से आ जाता है, पता है ना? मैं सच आप जो सवाल पूछ रहे उसको करो, बेरोजगारी का तो ये वैकेंसी निकला था आरजेडी, दोनों वैकेंसी बाहर चला गया, आपका आगे क्या भरोसा है कि आगे क्या होगा? मेरा एजेंडा सीधा है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त बिहार बनाने का, और बाढ़ सुखाड़ का जो हम दंश झेल रहे हैं हर साल, उससे भी हम बाढ़ सुखाड़ का अभी तक कोई निदान नहीं मिला। 15 साल बनाम 15 साल का जो लोग नारा दे रहे हैं, बार बार इसको आप लोग बोल रहे हैं, अभी भी हमारे एक मित्र बोले हैं कि नहीं एनडीए में और यूपीए में इसी में लड़ाई है, ये बिहार जर्मनी का होटल नहीं है। हम जर्मनी गए थे, मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तो वहां कहा कि डू यू लाइक कॉफी और टी, नो अदर ऑप्शन, मैंने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, हम लोग नींबू पानी लेके कोरोना से भी मुकाबला करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बेरोजगारी का भी हल का समस्या आवाज उठाएंगे और उद्योग को भी खड़ा करेंगे बिहार में, ताकि बिहार फिर से पुराना जो हमारा धरोहर था, उद्योग था, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र था, यहाँ आपको मालूम है कि चीनी मिल था, 36 चीनी मिल था, 3600 बंद हो गया, किसका कारण? आप रोजगार की बात करते हैं, 36 चीन में कितना बेरोजगार हुआ होगा, 3 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए, किसका शासन था? 15 साल बड़ा भाई का और 15 साल छोटे भाई का, यही दोनों का शासन रहा। अब देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या जवाब दे सकते, काल्पनिक प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा। एलपीजी मेरा सर्वे हो रहा है, हम लोग देखिए हम लोग जमीनी कार्यकर्ता का अभी पूरी तरह चिन्हित किया जा रहा है, एक सप्ताह में आपको बताया जाएगा, अभी टाइम सवाल आपसे है, बिहार में 243 सीटें हैं, लगभग पूरी कितनी सीटों पे ये होमवर्क किया हुआ है कि आप लोगों की जो नई अलायंस है वो चुनाव लड़ सकती है? सवाल है सर, शायद आप देर से आए, शुरुआत में ही हमने कह दिया कि हमारे कन्वीनर साहब और विमान साहब और आप सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे, तय करेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे कि बिहार के कितने असेंबली क्षेत्र से हमारे एनडीए से के अलायंस के कैंडिडेट होंगे, थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपको बराबर मालूम है, कोई आपसे उतनी वाली बात नहीं, आपको बताएंगे, आपको अवगत कराते हैं। तो लगता है उनको, लगता है हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट को लगता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं, पार्टियों का भी मानना है कि आपके बिहार आने के
अरे हम तो बात ही नहीं कर, हम तो वंचित समाज की बात, पूरी समाज की बात कर रहे हैं। कहां ये विशेष समाज की बात। आप लोग जब एक मिनट तो आप सवाल अभी किया बैरिस्टर साहब से, उसको मैं कह देना चाहता हूं, कहने को एक हम थोड़ा कविता भी कर दें, सुन लीजिएगा, है समय एक मिनट। कहने को तो अपना राज है लेकिन भ्रष्टाचारियों और चोरों के सर पर ताज है, होती उसी का कार्य है बेईमानों में जो जो आक्रमक है उसका काम हो। समझने का यही अहम एक सवाल है, हिंदू हो या मुसलमान, आप सवाल पूछ रहे थे, सबका लहू लाल है, कोई राम कहे कोई कहे रहीम, कोई केशव कहे या कोई कहे करीम, सब में बसता एक ही राम रहीम, मार मत कोई श्याम रहे या सलीम। समझने की यही अहम एक सवाल है, हिंदू हो या मुसलमान सबका लहू लाल है, बस यही हम सवाल। आप जो सवाल पूछे थे उसका जवाब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।